शिमला जिला के रामपुर में एक ऑटो चालक ने कोरोना के भय को देखते हुए अपने ऑटो में सवारियों को कोरोना से बचाने के पूर्ण बंदोबस्त किए हैं। बहुत कम ही ऐसे देखने को मिल रहा है। कम पैसों में जुगाड़ तंत्र से ऑटो चालक ने ऐसी तकनीक तैयार की है कि सवारी ऑटो में बैठते ही लाल बत्ती जलेगी और पीछे बैठी सवारी को पूरा फवारा चलाकर सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइज बंद होते ही हरी बत्ती जलेगी। ऑटो चालक का कहना है कि ये तकनीक सभी गरीब ऑटो चालक स्थापित कर सकते हैं। ऑटो में कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, इसलिए उन्होंने प्रयास किया है और ये खोज की है। अब लोग सुरक्षित समझकर उनके ऑटो में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने परिवहन विभाग की बसों में भी इस तरह की व्यवस्था स्थापित करने की मांग की। उनका कहना है कि इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं है। बस के दरवाजे खुलते ही सवारी सैनिटाइज होगी और इस तकनीक का उन्हें लाभ मिलेगा। रामपुर के रहने वाले ऑटो चालक बलविंदर ने बताया कि कोविड-19 का खतरा देखते हुए ऑटो के लिए एक तरकीब सोचकर देसी तकनीक से अपनाते हुए उन्होंने ये चीज तैयार की है। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था उन्होंने घर के दरवाजे में भी की है। साथ ही वे चाहते हैं कि परिवहन विभाग भी अपने बसों के दरवाजों पर इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करें। मेरा नाम बलविंदर शर्मा है और बिल्लू भाई करके मुझे जानते हैं। मैं रामपुर शहर में ऑटो चलाता हूँ। रामपुर शहर में कोविड-19 का खतरा देखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि आप मेरे ऑटो में जैसे ही बैठेंगे अंदर लाल लाइट जगेगी और आपको ऑटोमेटिक सैनिटाइज कर दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर भी मैंने अपने ऑटो में रखा हुआ है ताकि कोविड-19 का खतरा हम कम कर सकें। मैंने और भी प्रोजेक्ट बनाए हैं कि अपने घर में दरवाजे को कोई खर्चा नहीं है उसमें कि दरवाज़ा खोलते ही सैनिटाइज करके घर में जाएं, क्योंकि बीमारी अगर दरवाजे से ही अंदर जाएगी हमारे दरवाजे में अपनी पहले ही सुरक्षा ठीक होगी। मैं चाहता हूं कि हिमाचल ट्रांसपोर्ट भी अपने जो डोर होते हैं उसमें ये सुविधा फिट करे। कोई खर्चा नहीं है इसमें और दरवाज़ा खुलते ही सैनिटाइज होएगा। मैंने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है। जय हिंद जय भारत। स्थानीय निवासी राहुल खन्ना ने बताया कि ऑटो चालक ने ऑटो में हर सवारी को सैनिटाइज की व्यवस्था की है। इस प्रयास से कोरोना खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। किसी को कोरोना संक्रमण से बचाव और एहतियात के उपाय करते देखा तो अच्छा लग रहा है। उन्होंने सवारियां ढोने वाले सार्वजनिक वाहनों में भी ऐसी सुविधा स्थापित करने की मांग की। मैं राहुल खन्ना, रामपुर का निवासी। ये हमारे भाई जी ने पहल की है एक ऑटो में सैनिटाइजेशन के लिए, जिससे हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि पूरी सरकार भी इनका प्रोत्साहन करे, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हर तरह के ट्रांसपोर्ट में सरकार इसको बढ़ावा दे ताकि कोरोना से जो हमारी लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए, जिससे बहुत कम, जैसे अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने से डरते हैं क्योंकि उसमें कोई भी आ जाता है और वायरस फैल सकता है सबको। इस वजह इन्होंने ऐसा किया है कि जैसे ऑटो में बैठेंगे आपको सबसे पहले सैनिटाइज किया जाएगा, आप में जो भी कीटाणु वगैरह होंगे वो सब मर जाएंगे और साथ में आगे फैलने से रोकी जा सकती है बीमारी। इसी तरह से हम अगर इस चेन को तोड़। मेरा नाम है अनिल गौतम, शिंगला बिलोंग करता, रामपुर शहर शिंगला से बिलोंग करता हूँ। मैं पहली बार ऑटो में बैठा हूँ और ऑटो मैंने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर वाला देखा। इन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ, लाइट जलते ही ऑटो सैनिटाइजर हो जाता है सैनिटाइजर। और मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी ऑटो वाले हैं सब इस तरह की ऑटो का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर करें, ताकि सभी लोग सुरक्षित हो और अच्छा मतलब लोगों को रिस्पॉन्स मिले। बहुत अच्छा ही मतलब ये रहे कि भाई ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए, ताकि दिक्कत भी ना आने जाने में भी।